आज हमारे पास कौन सी वैरायटी है, इसकी स्पेसिफिकेशन पूरी तफसील इंशाल्लाह वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने बीच में से स्किप नहीं कर दे, आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये इंतहाई इकोनॉमिकल रेंज में है, इंतहाई रीजनेबल प्राइस में है और मार्बल भी प्यारा मार्बल है। तो सबसे पहले जो है वीडियो को लंबा नहीं करते, इसके ऊपर जो है पानी मारते हैं, फिर जो है इंशाल्लाह मार्बल के जो है डिटेल पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर पानी मारते हैं, पॉलिश वाला साइड नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका जो है जब इसके ऊपर हम पानी मार देते हैं तो मार्बल का जो एक्चुअल लुक है वो हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने नज़दीक से आप लोग देख ले, गौर से देख ले, सही तरह देख ले। ठीक है, ये इसका एक्चुअल लुक है जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं। इसके ऊपर फिर मैं पानी मारता हूँ ताकि आप लोगों को जो है इसका अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए। इसमें आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो आप लोग ये देख रहे हैं लाइन और धब्बे, येलो धब्बे है। ठीक है, इसको आप लोग गौर से देख ले, ये येलो धब्बे है, इसमें थोड़े से ग्रे धब्बे भी है और वाइट धब्बे भी इसमें है, तो ये मिक्सचर है। ठीक है, अभी आप लोग के साथ इसका नाम भी शेयर करेंगे कि यह इसका नाम क्या है और इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह। पहले आप इसको गौर से देख ले कि यह क्या चीज़, इसका शेप कैसा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो मार्बल है, पहले बात करें स्पेसिफिकेशन की, मार्बल तो मजबूत है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, मजबूत है और न ये पानी अब्जॉर्ब करता है और न इसमें क्रैक्स दड़ाई वगैरह की है। हमारे इलाके के मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, आप लोग भी कान पक चुके होंगे ये पर मैं बात करता रहता हूँ। ठीक है, हमारे इलाके के जो मार्बल है अल्हम्दुलिल्लाह सारे पौलादी मार्बल है, इंतहाई पौलादी है, फॉरएवर स्टोन है। ये जो मार्बल है हमारे इलाके के अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद एजेंसी के पिशावर वाली जो वैरायटी से, क्योंकि पाकिस्तान में ये पिशावर की वैरायटी से पहचाने और जाने जाते हैं, लेकिन ये पिशावर से आधा घंटा दूर है मोहम्मद एजेंसी। ठीक है, जहाँ पर पहाड़ और माइनिंग हुआ किया, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो ये जो है आप अगर इसको लगाते हैं जमीन पर तो ये फॉरएवर स्टोन है, क्योंकि मार्बल की लाइफ नहीं होती, ये तो फॉरएवर स्टोन होती है, पत्थर की तो एज ही नहीं होती, उम्र नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो जितना आप मर्ज इसको रगड़े कर लो, जितना रख लो, जितना इस्तेमाल करो, इसको कुछ नहीं होने वाला, इसको कुछ होता है। ठीक है, तो ये तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसका नाम जो है खटीन नाम है। ठीक है, खटीन पर मैंने जो है कम अज कम 14-15 महीने पहले एक वीडियो बनी थी, सही है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक बार फिर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नाम इसका काफी एक यूनिक नाम है और फनी नाम है। इसका पहाड़ भी जो है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हुआ क्या है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 65-70 के करीब मार्बल की वैरायटीज है, पहाड़ है, माइनिंग है, ये भी इसका ताल्लुक भी हमारे इलाके से है। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं इसके प्राइस के हवाले से। ये इंतहा इकोनॉमिकल रेंज में है, काफी सस्ता है, इसको आप फुट बाय फुट में लेंगे 4 फुटर में या फुट बाय 2 फुट साइज में लेंगे, इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 50 रुपया। मैंने एक हफ्ता पहले इसका प्राइस शेयर किया था 48 रुपया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो 3-4 दिन पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो बढ़ गए पूरे पाकिस्तान में, तो आप लोगों को पता है कि इसका जो इम्पैक्ट डायरेक्टली हर चीजों पर पड़ता है, असर पड़ जाता है और कीमतें जो है बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि पहले 48 में था, अभी जो है इसका प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया इसका प्राइस है। मेरे ख्याल में दोस्तों कि 50 के रेंज में ये इंतहाई जो है इकोनॉमिकल है और इंतहाई रीजनेबल है और सस्ता है, क्योंकि मेरे ख्याल से 50 रुपये में बादल भी नहीं मिलता। ठीक है, बादल तो खैर हमारे यहाँ 45-46 में मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें बादल के साथ शेड और प्राइस, बादल के साथ इसका कंपेरिजन करें, तो मेरे ख्याल से ये बादल से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि बादल जो है बादल में कालापन ज्यादा होता है और उसमें आप लोग देख ले, इसको अगर आप जमीन पर लगाते हैं तो आप लोगों का फ्लोर जो है व्हाइटिश दिखेगा, सफेद दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप मुझसे राय लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये बादल से जो है 1000 दर्जे बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है, शेड वाइज भी और प्राइस भी मेरे ख्याल से इंतहाई जो है इकोनॉमिकल है और इंतहाई सस्ता है। ठीक है, तो अगर आप लोग बादल लेते हैं, मेरे ख्याल से बादल के मुकाबले में ये बेहतरीन चॉइस है। मुझे बहुत ज्यादा व्हाट्सएप आते रहते हैं, लोग अक्सर मुझे तस्वीरें सेंड करते थे, यार भाई पिछले दिनों जो है मुझे एक भाई ने इस्लामाबाद से एक पत्थर भेजा, मार्बल की तस्वीर भेजा, व्हाट्सएप किया, वो कह रहे हैं यार भाई ये मुझे यहाँ पर जो है पंजाब में 220 रुपए का मिल रहा है। आप चेक करिए क्या चीज है,
इधर जो है ये शरद वार्ड क्या के मुझे मिल रहा। मैंने कहा यार ये शरद वार्ड नहीं है, ये चीता वार्ड जो हमारा है इधर एक बुलेट 130 रुपए में मिलता है। ये शरद नहीं, शरद वार्ड तो ओरिजिनल 320 रुपए में फुट है, ओरिजिनल वाइट सुप्रीम 390 में है, वाटरेज जो है जरूरत वर्ड 135 160 में मिल रहा है। मुख्तलिफ शेड वाइज जो है सुपेदी कम सुपेदी ज्यादा, उसके हवाले से उसका प्राइस अप एंड डाउन हो जाता है। ठीक है, तो रिव्यू का मकसद यही है मेरा कि आप लोग जो है मार्बल का एक्चुअल शेड देख लें, नाम उसका पहचान लें और उस मार्बल में पहचान कर सके। अगर आप लोग गिर फिसल कर ले जिधर भी आप जाए मार्बल खरीदने, ताकि आप लोग को मालूम हो पहले से कि यार कौन सा मार्बल है, इसका प्राइस क्या चल रहा है और ये क्या चीज है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जैरत के पीछे चले जाए या चीता के पीछे चले जाए या कैमूर के पीछे चले जाए और आप लोग को दूसरा मार्बल जो है डिलीवर हो जाए, तो ये फिर आप लोग को पता कि मार्बल में ये चीजें बहुत जो है आम है। ठीक है, तो इन चीजों का बहुत ज्यादा केयर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अभी करते हैं वन। नेक्स्ट मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह।